नमस्कार, तो आवाज में आपका स्वागत है। देश में हिजाब को लेकर बन रहे हैं दंगे जैसे हालात, लेकिन आज एक एक परत को खोलेंगे। आज का कार्यक्रम पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज आवाज के कार्यक्रम के जरिए पूरी साजिश को बेनकाब करेंगे और आज आवाज का कार्यक्रम दो भाषाओं में संचालित किया जाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि ज्यादा दर्शकों तक पूरी बात को पहुंचाया जा सके। तो दर्शकों, इस पूरे खेल की शुरुआत होती है सितंबर 2021 से, क्योंकि एक रेडिकल और क्रिमिनल स्टूडेंट ग्रुप कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये अपनी मेंबरशिप ड्राइव को शुरू करता है हर जगह, इंक्लूडिंग द कॉलेज उडुपी। उडुपी में जो कॉलेज है जहां से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई है, वहां पर सीएफआई एक स्टूडेंट ड्राइव, एक मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत करता है। और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, आपको बता दूं कि क्या है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ द रेडिकल स्लैम ग्रुप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI का एक पार्ट है CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि स्टूडेंट्स को अपने में शामिल करता है, मेंबर ड्राइव चलाता है। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं जस्ट वन मंथ आफ्टर, सिर्फ एक महीने के बाद, इन अ वेरी सिमिलर पीरियड ऑल फोर इनिशियल एलिज्ड विक्टिम्स ऑफ हिजाब प्रोपेगेंडा हैव ओपन्ड देयर अकाउंट्स ऑन ट्विटर। मतलब जितने भी लोग थे, जितनी भी वो लड़कियां आप देख रहे हैं जो हिजाब का प्रोपेगेंडा जिन्होंने शुरू किया था, वो अपने ट्विटर अकाउंट्स खोलती हैं एंड स्टार्टेड टू प्रमोट द एजेंडा ऑफ CFI बाय टेकिंग पार्ट इन हैशटैग चैंपियंस। तो आप बाजू वाली खिड़की में लगातार फुल प्रूफ के साथ आज आपको एक एक परत खोलकर दिखा रहा हूं। बाजू वाली खिड़की पर लगातार एक एक सबूत आप देख सकते हैं जो भी बातें मैं यहां पर कह रहा हूं। तो प्रमोट कर रही थी CFI का एजेंडा, हैशटैग चैंपियंस बन गए थे लोग। हैशटैग्स के थ्रू अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा को CFI के ये लड़कियां प्रमोट करती हुई नजर आ रही थी। नाउ हियर लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पॉइंट। यहां मैं आपकी अटेंशन एक पॉइंट पर ड्रॉ करना चाहता हूं। इन एन इंटरव्यू विद बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में वन ऑफ द एलिज्ड विक्टिम्स हैज टोल्ड दैट दे वर नॉट मेंबर्स ऑफ CFI, दे हैव कॉन्टेक्टेड देम ओनली आफ्टर द हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी। उनका कहना है कि CFI से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई संबंध नहीं था जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके बाद CFI ने इनसे कांटेक्ट किया। बट वॉज शी सेइंग द ट्रुथ? क्या वो सच बोल रही? बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। एटलीस्ट देयर ट्विटर टाइमलाइन से अ डिफरेंट स्टोरी। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ देयर ऑन ट्विटर दे वर स्टार्टेड टू प्रोपेगेंडा ऑफ CFI, क्योंकि पहले दिन से ट्विटर की अगर इनकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं तो पहले दिन से ये लोग CFI का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेट मी शो यू सम पैटर्न्स ऑफ देयर पोस्ट। अब मैं बाजू वाली खिड़की में आपको लगातार इनके कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा, इनके कुछ पोस्ट के क्या पैटर्न थे, क्या ये लोग जो बात कह रहे हैं कि CFI ने हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी के बाद इनसे कॉन्टेक्ट किया था, क्या वो सच है? तो इसको जानने के लिए इनके कुछ पैटर्न्स दिखाएंगे जो इनके ट्विटर टाइमलाइन से हम लोगों ने निकाले हैं एक रिसर्च के जरिए, और पटेल साहब की इस पे रिसर्च शामिल है। दे हैव स्टार्टेड टू कॉपी पेस्ट ट्वीट्स टू टेक पार्ट इन द हैशटैग चैंपियन ऑफ CFI ऑन 1 नवंबर 2021। तो 1 नवंबर 2021 को इन्होंने CFI के जो द्वारा संचालित हैशटैग्स थे उनको कॉपी पेस्ट किया। This hashtag was against the new education policy. उस वक्त CFI नई एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ था और लगातार उसको लेकर ट्वीट्स कर रहा था। उन्हीं ट्वीट्स को इन लड़कियों ने कॉपी पेस्ट किया। मतलब ये लोग पहले से CFI के प्रोपेगेंडा के जरिए चल रही थी। Now as you can see in one of Muskan's post, this hashtag champion was started by CFI. तो ये जो मुस्कान है, जिसको शेरनी बताया जा रहा है, मुस्कान खान, उसके ट्विटर टाइमलाइन के जरिए हमको ये पता लगता है कि इसने CFI का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए लगातार CFI के ट्वीट्स को ट्वीट किया था खुद की टाइमलाइन पर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, CFI हैशटैग वाज स्टार्टेड ऑन 8th ऑफ नवंबर 2021 रिगार्डिंग बाबरी मस्जिद। CFI ने नवंबर 2021 को बाबरी मस्जिद को लेकर ये हैशटैग, ये ट्वीट्स करना शुरू किया था। जस्ट लुक एट देयर लैंग्वेज दे हैव यूज्ड एंड देयर कॉपी पेस्ट वर्क। इनकी भाषा को समझिए, इनके कॉपी पेस्ट वर्क को समझिए कि किस तरीके से ये लोग CFI से जुड़े थे, ये लोग CFI के मेंबर्स थे, और ये किस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर CFI जिस तरीके से ट्वीट चला रहा था, जिस तरीके से देश को तोड़ने की तमाम कोशिशें कर रहा था, किस तरीके से मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, ये सभी लड़कियां जो आज खुद को पीड़ित बता रही हैं, ये सभी लड़कियां CFI के ट्वीट्स को कॉपी एंड पेस्ट कर रही। जी हां दर्शकों, ये रिसर्च आप पूरी देखेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ द CFI हैज ऑल्सो डन ट्वीट्स इन दिस चैंपियन। CFI के जो प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं। यू कैन ऑल्सो सी देयर पोस्टर रिगार्डिंग दिस ट्विटर चैंपियन। आप उनके पोस्टर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्विटर चैंपियन ऑफ CFI वॉज ऑन 11th November 2021। अगला जो खेल शुरू हुआ CFI की तरफ से ट्विटर पर वो 11 नवंबर 2021 को शुरू हुआ और वो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। तो ये CFI के ट्वीट्स की टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैच करते हैं इन लड़कियों के ट्वीट से, किस तरीके से ये लड़कियां लगातार आज से नहीं बल्कि बीते कितने महीनों से CFI का एजेंडा चला रही थी। ये वही लड़कियां हैं दर्शकों जो आज कॉलेजों के बाहर ये कह रही हैं कि इनको हिजाब पहनकर अलाउड नहीं किया जा रहा। ये कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे असली खेल कौन कर रहा है ये भी आपको समझाएंगे। हे अगेन, यू कैन सी दैट गर्ल्स वर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप और द टूल किट ऑफ CFI टू प्रमोट देयर हैशटैग। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़कियां, ये सभी लड़कियां जो हिजाब का ड्रामा कर रही हैं, हिजाब का नाटक कर रही हैं, ये सभी लड़कियां CFI की टूल किट का हिस्सा थी, उनके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी और लगातार उसके देश को तोड़ वाली नीति को प्रोपोगेट कर रही थी, लगातार उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी ये सभी लड़कियां। और 19 नवंबर 2021 की ओर चलते हैं। दे आर अगेन पार्ट ऑफ द हैशटैग चैंपियन ऑफ CFI। ये लोग दोबारा से एक बार नजर आते हैं CFI के द्वारा जो देश को तोड़ो नीति के तहत जो हैशटैग चलाए जा रहे थे उसमें ये लड़कियां एक बार फिर नजर आती हैं। लुक एट द लैंग्वेज एंड वर्ड्स दे हैव कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द टूल किट। इनके जरा जो बाजू वाली खिड़की में आपको दिख रहे होंगे ये जो इनके ट्वीट्स हैं, जो कॉपी पेस्ट किए गए ट्वीट्स हैं, इनमें इनकी भाषा देखिए, इनके शब्द देखिए और समझिए कि ये लड़कियां किस मानसिकता से ग्रस्त हैं। On 21st November 2021, CFI State President had started a Twitter campaign regarding Azan. 21 November 2021 को CFI के State President, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं CFI के, ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, देश को तोड़ने का जो काम करता है, ये जो PFI का पार्ट है, इसने एक बार फिर एक ट्विटर गेम चलाया अजान को लेकर, देश को तोड़ने की एक और कोशिश की लेकिन ये भी नाकाम साबित हुई। Look how these girls have done word to word copy paste work while following WhatsApp groups or the toolkit of CFI. अब इन लड़कियों के जरा इस toolkit game को देखिए, इनके copy paste करने के तरीके को देखिए कि किस तरीके से इन लड़कियों ने CFI के toolkit का जो एक एक pattern था, जो एक एक शब्द था, उसको किस तरीके से इन लड़कियों ने copy paste किया है। साथ ही एक चीज मत भूलिएगा कि इन लोगों ने जो words का इस्तेमाल किया है, संघी वर्ड का लगातार ये लड़कियां यूज कर रही हैं, वाइल एडवाइजिंग हिंदूज टू गो टू नेपाल। ये लड़कियां जो आज हिजाब पहनकर ड्रामा कर रही हैं, देश को तोड़ने का नाटक कर रही हैं, देश भर के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही हैं, ये लड़कियां हिंदूज को संघी कहकर बुला रही थी और लगातार कह रही थी कि हिंदुओं तुम लोग नेपाल जाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि सारे भारत के हिंदुओं आप नेपाल जाओ और भारत में ये लोग रहेंगे, ये किस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, इनकी साजिश को आप समझिए। इफ यू स्टिल हैव डाउट्स अबाउट कॉपी पेस्ट वर्क एंड रेडिकल लैंग्वेज, अगर आपको अभी भी कोई भी शंका है इनके कॉपी पेस्ट वर्क को लेकर या इनकी देश को तोड़ो भाषा शैली को लेकर, दीज ट्वीट्स आर फॉर यू। इन ट्वीट्स पर नजर डालिए, ये ट्वीट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ताकि आप ये समझ सके कि इन लड़कियों की असली सोच क्या है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हैशटैग ऑफ CFI जो कि शुरू हुआ था 12 दिसंबर 2021 को टू सपोर्ट अरेस्टेड क्रिमिनल राउफ शरीफ। राउफ शरीफ के अगेंस्ट, राउफ शरीफ जो कि क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट करने के जो सपोर्ट में, राउफ शरीफ के सपोर्ट में और उसके अरेस्ट के अगेंस्ट में इन लोगों ने फिर एक बार एक हैशटैग का शुरुआत किया। अगेन सी द कॉपी पेस्ट वर्क एंड द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड। एक बार फिर CFI की इस चाल में शामिल इन लड़कियों के कॉपी पेस्ट वर्क को देखिए, इनके ट्वीट्स को देखिए कि किस तरीके से ये लड़कियां उनके गेम में शामिल थी। ये सब वही लड़कियां हैं जो आज ड्रामा कर रही हैं हिजाब को लेकर। राउ शरीफ इज सेक्रेटरी ऑफ CFI। राउ शरीफ कौन है जिसके सपोर्ट में ये ट्वीट्स कर रही थी, ये लड़कियां भी ट्वीट कर रही थी। तो आपको बता दूं कि राउ शरीफ सेक्रेटरी है CFI का और इसको एक बार फिर UP पुलिस ने अरेस्ट किया एक साल पहले। ही वॉज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर CAA एंड दिल्ली राइट्स। सोच रहे हैं आप, ये रिसर्च का जरिया है कि हम एक एक तार को जोड़ पा रहे हैं। राउ शरीफ जो कि
आपको बता दूं कि सीएफआई का सेक्रेटरी था वो दरअसल यूपी पुलिस को द्वारा गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, क्योंकि वो सीएए और दिल्ली रॉयट्स के पीछे जो धन वर्षा हो रही थी वो इसमें शामिल था। वो लगातार एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था दंगेबाजों को। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाथरस केस, हाथरस केस में भी उसका नाम आया था। तो लगातार देश को हर तरफ से तोड़ने की साजिश रच रहे थे ये लोग। लेकिन अभी भी बता रहा हूं आपको, आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको बताऊंगा कि सबके पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो आपको बताऊंगा। पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा। दिस इज अ सैंपल टू इट अंडरस्टैंड हाउ दीज गर्ल्स वर रेडिकलाइज्ड बाय द पोटेंशियली टेररिस्ट आउटफिट सीएफआई एंड पीएफआई। अभी तक आपको जो बताया वो सिर्फ ये था कि सीएफआई और पीएफआई किस तरीके से इन लड़कियों को मोहरा बनाकर देश को तोड़ने का काम कर रहा है और इन लड़कियों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है जब ये लड़कियां सीएफआई और पीएफआई की पपेट है। ये लड़कियां देश को तोड़ने वाले एक बड़े गैंग की कठपुतलियां हैं। दिस प्रूव्स दैट दीज गर्ल्स वर वेरी वेल कनेक्टेड विद सीएफआई एंड देयर क्लेम टू कम इन कॉन्टेक्ट विद सीएफआई ओनली आफ्टर हिजाब प्रोपेगेंडा इज डिसलॉयल। मतलब जितनी बातें मैंने अभी आपको कही हैं ये साबित करती है कि इन लड़कियों ने जो बात कही कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद ही सीएफआई ने इनको कांटेक्ट किया, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है और सरासर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। ये लड़कियां शुरुआत से सीएफआई और पीएफआई के जो बड़ा प्रोपेगेंडा था, देश को तोड़ो प्रोपेगेंडा, उसमें शामिल थी। नाउ लेट्स मूव ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्रोपेगेंडा का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2021 पर आपको लिए चलते हैं। दीज गर्ल्स एंड द स्टेट कमिटी मेंबर ऑफ सीएफआई, ये लड़कियां और स्टेट कमिटी मेंबर सीएफआई की, मसूद मन्ना हैज स्टार्टेड प्रोपेगेंडा फ्रॉम अ कॉलेज कैंपस। मसूद मन्ना ने कॉलेज कैंपस के अंदर से एक स्टार्ट किया एक प्रोपेगेंडा, देश को तोड़ने का एक और प्रोपेगेंडा। एंड ऑन 1st January आवर प्रोपेगेंडा रिपोर्टर ऑफ लेफ्टिस्ट एंड इस्लामिक वेब पोर्टल्स मीर फैसल हैज टुक एन इंटरव्यू विद दीज गर्ल्स। और इन्हीं लड़कियों के, इन्हीं पीएफआई के, इन्हीं सीएफआई के द्वारा संचालित एक प्रोपेगेंडा रिपोर्टर ने, जो कि इस्लामिक वेब पोर्टल चलाता है जिसका नाम है मीर फैसल, वो एक इंटरव्यू लेता है इन लड़कियों के साथ। लुक एट द बायो, जो बगल में फोटो चल रही है उसमें बायो देखिए। इन विच प्रोपेगेंडा मीडिया ही राइट्स, जिसमें ये बंदा आपको लिखता हुआ नजर आ रहा होगा, इट वॉट हैज द नेम ऑफ द वायर टू, एक पोर्टल है द वायर, उसका भी नाम लिखा हुआ है इसके बायो में, ये जो उन लड़कियों का इंटरव्यू कर रहा था। नाउ कमिंग टू 2nd January 2022, 2 जनवरी 2022 की ओर चलते हैं। दीज गर्ल्स हैव डन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंग विद सीएफआई टू टेक दिस प्रोपेगेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। ये लड़कियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं सीएफआई के साथ बैठकर, ये देश को तोड़ने वाली सोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ताकि अपने प्रोपेगेंडा को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। And on 13th of January 2022, another propaganda reporter came to take their interview. एक और रिपोर्टर था जो उनका इंटरव्यू लेने जाता है, प्रोपेगेंडा रिपोर्टर जो इन्हीं के द्वारा पैसा देकर बनाया गया है। लुक एट द नेम्स ऑफ द वेबसाइट शी राइट्स फॉर। अब ध्यान से जरा उन वेबसाइट्स के नाम देखिएगा जिसके लिए ये लोग लिखते हैं, जो इनकी मदद कर रहा है। अगेन द वायर, ये द वायर इनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अभी तक यह समझाया कि ये लड़कियां पीएफआई सीएफआई की कठपुतली हैं और कौन सा मीडिया हाउस है जो इनका लगातार सपोर्ट कर रहा है टू ब्रेक द नेशन, लगातार देश को तोड़ने की साजिश के पीछे कौन लोग हैं, यह आपको समझा रहे हैं। अब सीधा लिए चलता हूं आपको 19th of January 2022, लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स एंड लेफ्ट विंग टीवी चैनल NDTV केम इन टू द पिक्चर। अब एक चैनल है जो पूरी पिक्चर में आता है, और पूरी पिक्चर में कैसे आता है ये लगातार तस्वीर के जरिए, लगातार विद प्रूफ आपको बता रहा हूं। ऑन 20th January 2022, अनदर लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट केम एंड डिड हर जॉब। 20 जनवरी 2022 को एक और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट आता है और वो भी अपना काम करके जाता है देश को तोड़ने का। लेटर व्हेन दिस केस फाइनली वेंट वायरल, अब जब ये केस पूरी तरह से वायरल हो चुका है, हर जगह हिजाब को लेकर ड्रामा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, कोई पत्थर चला रहा है, कोई हिजाब के अगर अगेंस्ट में पोस्ट लिख रहा है तो उसको धारदार हथियार से उस पर हमला किया जा रहा है, और देश एक बार फिर एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा है जहां दिल्ली के दंगों जैसा दंश हो सकता है, देश को झेलना पड़ सकता है।
and all the leftist propaganda media, including IPSMF funded media and their propaganda journalists, has started to play their roles. ये सारी की सारी फौज, ये propaganda journalist, ये सब एक साथ हैं देश के खिलाफ। ये सभी तीतर, ये सभी चूहे एक साथ आ गए, ये सभी कॉकरोच एक साथ आकर देश को तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं, एक बड़ी साजिश कर रहे हैं दर्शकों। और एक एक फैक्ट के साथ, ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही एक डिजिटल फॉर्म में, एक विजुअल फॉर्म में आपको मेरे बाजू वाली खिड़की में लगातार नजर आ रहे होंगे। एंड एज यूजुअल, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एज यूजुअल कांग्रेस इज प्लेइंग देयर रोल इन दिस केस by providing legal help to this fake propaganda down pointing backhand index. ये है mastermind, इस पूरे propaganda को संचालित कर रहा है CFI, PFI, देश को तोड़ो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को तोड़ने वाला मीडिया, और इनको फंड कर रहा है, इनको लीगल सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस। Congress is the mastermind behind. Do you know? आपने देखा होगा कि जब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब कामत नाम बहुत आ रहा था। कामत, 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 देवदत्त कामत। कौन है ये देवदत्त कामत? Who appeared in Karnataka High Court to support हिजाब? कौन है? दर्शकों, ये कांग्रेस से संबंधित है, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना रिश्तेदार है, क्योंकि इसका भी कच्चा चिट्ठा निकाल लिया हमने, कच्चा चिट्ठा, और पटेल साहब की रिपोर्ट में भी इसका कच्चा चिट्ठा निकाला गया है, क्योंकि रिसेंटली देवदत्त कामत हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस लीगल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर द यूपी इलेक्शन। समझे, ये देवदत्त कामत जो हिजाब वाली लड़कियों को लीगल सपोर्ट दे रहा है, पूरा देश सोच रहा है, और ये न्यूज चैनल की हेडलाइंस लिखी जा रही है कि लड़कियां हिजाब मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची। अरे भाई, इन लड़कियों को यह भी नहीं पता होगा कि पहुंचना कहां है, हाईकोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सेशंस कोर्ट क्या है, इनको तो यह भी नहीं पता। तो लीगल सपोर्ट जो दरअसल कर रहा है वो कांग्रेस कर रहा है, क्योंकि कामत जिसका आप नाम सुन रहे हैं वो कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमिटी, जो कि यूपी इलेक्शन में काम कर रही है, उसका लीगल कोऑर्डिनेशन कमिटी का ये सदस्य है। यू कैन ऑल्सो सी हिज एसोसिएशन विद कांग्रेस इन दिस ट्वीट बाय कांग्रेस मेंबर श्रीनिवास। कांग्रेस मेंबर है श्रीनिवास, उसके साथ इसका एसोसिएशन आप देख सकते हैं, उसकी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से देवदत्त कामत के साथ श्रीनिवास की कितनी बनती है, किस तरीके से दोनों लोग एक दूसरे के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। देवदत्त कामत वॉज अ लॉयर ऑफ मुंबई पुलिस। देवदत्त कामत जो था वो दरअसल वकील था मुंबई पुलिस का, किस मामले में, जो आप SSR केस देखते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसके चक्कर में पूरी कोऑर्डिनेशन कमिटी, यहां पर बताता हूं आपको, जो सरकार और प्रशासन के बीच का जो नेक्सस था वो पूरा खुलकर सामने आ गया। कमिश्नर नपा, इंस्पेक्टर नपा, मंत्री भी नप गया, उसमें देवदत्त कामत लॉयर था मुंबई पुलिस का, इन द मीडिया ट्रायल इन द SSR केस। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ये मुंबई पुलिस का लॉयर था, यही देवदत्त कामत, मतलब कांग्रेस का लॉयर था। ही वॉज ऑल्सो द लॉयर ऑफ मुंबई पुलिस इन द TRP केस अगेंस्ट अर्णव गोस्वामी एंड रिपब्लिक टीवी। अर्णव गोस्वामी, जो कि एक रिपब्लिक टीवी नाम का चैनल है, उसके जो मालिक हैं और एडिटर इन चीफ हैं, उनके खिलाफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पूरा केस स्टेज किया था, उसमें भी देवदत्त कामत ही शामिल था। अब मैं कंक्लूड करूंगा दर्शकों, यह बहुत बड़ी साजिश है। ये लड़कियां जो 6 थी 8 थी, आज जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में बरगलाने का काम किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है, एक बहुत बड़ा मीडिया का गैंग काम कर रहा है, प्रोपेगेंडा वाले लोग काम कर रहे हैं, PFI काम कर रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक क्रिमिनल आउटफिट है, जो देश को तोड़ने की लगातार कोशिश करती है, उसी के स्टूडेंट विंग CFI से ये लड़कियां ताल्लुक रखती हैं। ये सभी लोग देश को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हम सभी को चाहिए कि इनकी कोशिशों को एक बार फिर नाकाम करें, क्योंकि इन्होंने लगातार
बाबरी मस्जिद इशू को क्रिएट करने की कोशिश की थी। बाबरी मस्जिद इशू को इन्होंने बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की थी, देश में दंगे कराने की कोशिश की थी। वहां इनका काम नहीं चला। दिल्ली राइट में लगातार इन लोगों ने आर्थिक सहायता करने का काम किया था और दंगे करवाए थे। सीए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लगातार इन लोगों ने फंड करने का काम किया था और बाकी क्या कुछ हुआ आपने सब कुछ देखा। तो ये लोग एक बार फिर एक नई कंट्रोवर्सी लेकर सामने आए हैं ताकि देश को तोड़ा जा सके, समझ गया। और इसके पीछे जो वकील, जो लीगल सहायता इनको दी जा रही है वो कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। अब आप सोचिए कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा सच आपके सामने है। अब मैं आपको यहीं पर छोड़ जाता हूं। आप इस पर चिंतन कीजिएगा और विचार कीजिएगा कि देश को तोड़ने वाली ताकतें, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कब तक इस देश में पनपते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे और जिंदा रहेंगे। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक।